बच्चे अपने भी बच्चे हैं हमारे जैसे भी आ जाओ घूमन। ना 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 कोई रोक टोक नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई गार्ड नहीं। तो कितने दिन से रह रहे अपने यहाँ? हमें छठा साल। तो खैर बाउंड्री आप आगे तक जा दी। हमारे रिश्तेदारी भी है, ये बाहर बैठे हैं भांजे हमारे। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय तो था अपना। मेरा नाम अंकित दहिया, ये छोटा भैया अभिषेक दहिया, इसका यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? अभिषेक दहिया के नाम से। अभिषेक दहिया के नाम? हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों इनके चैनल भी देखना भाइयों का। ये मेरा बेटा है छोटा बबलू पूनिया। ये बबलू भैया जी हैं। और ये पोंट गांव के हैं। पोंट गांव के क्या नाम? ताऊ जी। वो भी कहाँ लोग पहुँच गया उसमें बता रहे डॉक्टरी में? हमारा एक लड़का बीएससी है जी। एक लड़का ने फाइन आर्ट किया है अभी इसी साल। कर लिया उसने? हाँ जी। हाँ एक लड़का नीट की तैयारी कर रहा था, उसके पिछली बार 595 नंबर आए थे जी। इस बार उम्मीद है कि उसके नंबर आ जाएगा सरकारी में। तो चार भैया के कितने बच्चे हैं? नमस्कार दोस्तों, अभिषेक दहिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज सोनवीर सिंह मोहम्मद जी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, प्रधान जी से बातचीत हो रही है। ये बबलू भैया बैठे हैं इधर, देख लो बात करते हैं। मम्मा जी हैं इधर। कुत्ता भी नहीं। मम्मा जी चल दिए आगे, देखो प्रधान जी घूम रहे हैं उधर। कोई ऐसी बात नहीं है, ग्राम सलापुर के रहने वाले हैं हम। और ये मम्मा जी पहले भी आए थे हमारे यहाँ पे, वीडियो बनाई थी, अब दोबारा आए हैं आज काफ़ी दिन पहले। बाद में दिक्कत सी होगी थी इनके, देखो पेड़ इधर, ऐसा मकान आपने कहीं नहीं देखा होगा। और दोस्तों इन दीवारों की ये बात है, इन दीवार में ईंट नहीं, मतलब कि ईंट जो टूटी हुई नहीं लगी हुई, आधा पौना बोलते हैं उसको, वो नहीं लगा हुआ है। जैसे कि जगह बच गई दर्ज काटने के लिए, उसमें जो मसाला ही भरा हुआ है इसमें, ऐसे नहीं हुआ कि ईंट लगा दिया आधा पौना काट के। कोई ईंट टूटी हुई नहीं है कहीं पे भी। आप साइड में देख सकते हो, ज़रा देखो इसमें भी कोई आधा पौना नहीं लगा हुआ। वो देखो लीची का पेड़, और लीची भी आ रही है छोटे छोटे पेड़ों पर। मामा जी के बैक साइड में चलते हैं हम, देखो सीनियर है हमारे से और मामा भी है हमारे। और नुकसान हुआ इसमें पेड़ों का बगीचों में, बगीचों में ये नुकसान हुआ है, अंधी ज़्यादा आई है इस वजह से पेड़ टूट गए हैं। प्रधान जी बता रहे हैं कि जमन का पेड़ टूटा है, बहुत ही प्यारा पेड़ था, और मतलब जमन आ रही थी उसमें, और जमन की कोई कोई उसमें गुठली थी, और किसी में गुठली भी नहीं थी, खाओ ऐसे ही अपना, कोई गुठली नहीं निकालनी। और मामा जी की चाल देखो, अब भी अपना फुर्ती है पूरी। और दूसरे गेट पे पहुंचते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके चैनल है अभिषेक दहिया यूट्यूब चैनल। 12 बीघे में है ये। जब इसमें बनाया था शुरू में, केवल बंजर पड़ा था, खेती थे यहाँ पे, हल्का कोना रह गया 12 बीघे होने में। फिर एक आदमी मतलब बराबर साइड वालों से ली ज़मीन, जब चकोर बनाए, अब इस टाइम चकोर है बिल्कुल। ये देखो दूसरे गेट पर पहुंचते हैं इधर। ओहो जमन का पेड़ तो सारे कट गया भैया। इस पेड़ को कह रहे थे प्रधान जी, वो पेड़ टूट गया जमन का, बड़ा प्यारा था। ये भतीजे बैठे हैं इनके हवा में। और ठीक है,
अच्छा जामुन का पेड़ अभी बच रहा है तो क्या देख लो कितनी साफ सफाई है। देखो दोस्तों आम पे बड़ा नुकसान है, अब की बार बगीचे में आम नहीं आया, अब की बार बहुत ही कम है क्योंकि बरसात और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखो आम इस पे दिखा एक आम जरा, अभी नज़र नहीं आ रहा कोई। और सबसे बड़ी खूबी अभी दिखाते हैं आपको, 2 मिनट की वीडियो और रह रही है, उसके बाद ऐसी चीज़ आप तक आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी जो दिखाने वाले हैं आपको। ये नींबू का है, देखो इधर नींबू लगे हुए हैं, बगीचा बड़ा प्यारा लगा देखो आपको। देखो कमेंट करके बताना कैसा बगीचा लगा, हम तो इसमें घूमते रहते हैं आते हैं। देखो खाद के रखा कूड़ी का, जरा कूड़ी का खाद के रखा। और दोस्तों कोई गाय हो सफ़ेद वाइट एकदम वो हमें बताना, प्रधान जी को लेनी है, दूध वाली एकदम बढ़िया दूध देने वाली, देसी हो प्योर एकदम। मकान के चारों तरफ ही ये पर्डी अपना घूम लेते हैं बच्चे, वो देख लो ये रहा इधर, इस मकान से इधर भी आ सकते हो। कोई धोबी के ने धुलते कपड़े के धुलवा दिए, अपना घर पे धो लेते हैं। देखो पेड़, देखो ये लीची का कितना प्यारा पेड़ है, लीची काफ़ी सारी आ रही है, देखो फूट के निकल रही बाहर। बहुत ही साफ सफाई है, वो आपने पहले देखी होगी वीडियो, वो 20 मिनट की वीडियो थी। देखो नींबू, ये अमरूद है आने लगे हैं सब, प्रधान जी अभी बिजी हैं, बाहर के सदस्य आ रहे हैं, बातचीत होगी है कुछ कुछ और कर लेंगे। देखो साइड में पानी नहीं मरता बिल्कुल भी, कच्ची दीवार मतलब दीवार के बराबर में कच्ची ज़मीन है। ये उधर साफ सफाई करने वाली लग रही है, रोंटे वाली, रोंटे से आती है लोकल में हमारे। बैटर देख लो कितने सारे हैं यहाँ पे, फुल सुविधा है बच्चों के लिए। देखो बच्चों के लिए फुल मेहनत कर रही है कि प्रधान जी ने, सभी कमरों में एसी है, मेहनत में कोई कमी नहीं, फुल मेहनत है। और देख लो इधर भी इन्वर्टर बैठ रहा कमरों के लिए, वो सब बाहर लाइटों के लिए था जो दिखाया था आपको पहले। और बहुत ही सुंदर मकान है 12 बीघे में। प्रधान जी आ रहे तो जिला छोटे मकान में रह रहे हैं तो छोटे मकान से चल जाते हैं, शहर में रिश्तेदार में तो आपका मन नहीं लगता, खूब मन लगता है, ऐसी कोई बात नहीं लगता है, खूब मन लगता है, मगर जरा भीड़ से मैं तंग से मैं ना ना ऐसी कोई बात ऐसा कुछ नहीं। चार भाई रह रहे हैं, हम अकेले तो नहीं है ना,
अच्छा, चार भाई हैं हमारे, चार भाइयों का परिवार। लेकिन ये तो जंगल इतना बड़ा हो गया है, तो बच्चे खेलते रहे, चार पचास परिवार गांव के भी आ जाए, बच्चे अपने भी बच्चे हैं हमारे जैसे भी आ जाए घूमन। ना ना ना, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई गार्ड नहीं। तो कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हमें छठा साल। तो खैर बाउंड्री आप आगे तक जा रही है? जी जी जी। कोई रात को जरा कोई डर वह कुछ नहीं? ना डर काय का, पहले समाजवादी सरकार में तो थोड़ा दोस्तों कोई कॉपी नहीं हो रही वीडियो की, मम्मा जी की डायरेक्ट बात हो रही है जो भी कुछ है। उधर रिजवान भाई हैं, भैया मैंने एक वीडियो एक साल पहले बनाई थी जो मेरी 12,000 फेसबुक बना घर नाम से थी। आज मैं एक साल के बाद मैं प्रधान जी के आया हूँ, और हमारी रिश्तेदारी भी है, ये बॉर्डर बैठे हैं भांजे हमारे। नमस्कार जी। नमस्कार, परिचय तो था अपना। मेरा नाम अंकित दहिया, ये छोटा भैया अभिषेक दहिया, इसका यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? अभिषेक दहिया के नाम से। अभिषेक दहिया के नाम? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये इनका चैनल भी देखना भाइयों का। ये मेरा बेटा है छोटा बबलू पुनिया, ये बबलू भैया जी हैं, और ये पोंट गांव के हैं। पोंट गांव के क्या नाम? मोहम्मद आरिफ। फुल एड्रेस दो। मोहम्मद आरिफ ग्राम टू खास। नॉलेज बहुत है जी। चाहोगे समाज के लिए तो दोस्त, समाज के लिए तो ये है जी, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ईमानदारी से काम करो, तरक्की करो, दूसरों का भला चाहोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला चाहेगा। सही बात है। हाँ जी। हाँ, गलत कमों में ना लगे। जी और जीने दो। ताऊ जी वो भी कहाँ लोग पहुँच गया उसमें बता रहे, डॉक्टरी में? हमारा एक लड़का बीएससी है जी, एक लड़का ने फाइन आर्ट किया है अभी इसी साल कर लिया उसने। हाँ जी। हाँ, एक लड़का नीट की तैयारी कर रहा था, उसके पिछली बार 595 नंबर आए थे जी, जी। इस बार उम्मीद है कि उसके नंबर आ जाएगा सरकारी में। तो चार भाइयों के कितने बच्चे हैं? चार भाइयों के 16 बच्चे हैं। चार चार है ना? ना एक के एक है, एक के 6 हैं, हमारे 5 हैं, एक के 2 इसी तरह से हैं। अच्छा, एक के एक ही है? 5 के हैं 16 तो। अच्छा, सब सब की मिला था? 5 के हो जाएगा, सबका एक सिक्योरिटी नहीं होती। लड़के हैं 16, 5 लड़की हैं, 21 है, सात सारों पाँचों भाइयों के 21 बच्चे हैं। तो सभी अपना लगा रखे पढ़ाई? सब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। शिक्षा तो बहुत जरूरी है। शिक्षा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बच्चे के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, उसके बाद में अपना, उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पूरी शिक्षा होने के बाद में चाहे अपनी सर्विस करे, डॉक्टर बने या अपना कोई काम करें, शिक्षा जरूरी। जो भटकते युवाओं के लिए दो शब्द बताओ कुछ थोड़ी समझदारी की बात। भटकते युवाओं के लिए ये है कि जो उनकी किस्मत में वो होगा, मेहनत करें ईमानदारी से, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करें, और कोई काम कर रहे हो तो उसमें ईमानदारी से काम करें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।